सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। मैं हिंदी सब्जेक्ट पढ़ाऊंगी और हिंदी का उद्भव और विकास और समय बचेगा तो वर्ण विचार। ठीक, तो देखिए हिंदी शब्द जो है, हिंदी शब्द अगर पूछे कि हिंदी शब्द किस भाषा का शब्द है तो उत्तर क्या होगा? फारसी भाषा का। क्या होगा? फारसी भाषा का। अगर यही प्रश्न घुमाता है कि हिंदी भाषा का विकास, हिंदी भाषा का विकास किस भाषा से हुआ, किस भाषा से हुआ, तो उत्तर क्या बताएंगे आप सभी लोग? संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा हम क्यों बताएंगे? क्योंकि सबसे प्राचीन भाषा कौन सी भाषा है? संस्कृत भाषा, जिसमें महर्षि वाल्मीकि ने संस्कृत भाषा में महाग्रंथ रामायण की रचना किया। और अगर आपसे प्रश्न करें कि सबसे आदि कवि, सबसे पुराने कवि कौन हैं, तो महर्षि वाल्मीकि। क्या बताएंगे? महर्षि वाल्मीकि। देखिए मित्रों, ये वाल्मीकि शब्द जो है ये शुद्ध वर्तनी के लिए भी पूछा जाता है, बहुत बार पूछता है, आता हुआ प्रश्न बहुत गलत होता है। और ये वाल्मीकि जो है, आप वाल्मीकि से नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? वाल्मीकि। संस्कृत भाषा में व को ही प्राथमिकता दी जाती है, व को शुद्ध माना जाता है। तो जो संस्कृत भाषा का रामायण हमारा महाग्रंथ है, उसको महर्षि वाल्मीकि ने लिखा। रामायण में कितने कांड होते हैं? तो आपका उत्तर होगा 7 कांड। कांड का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है अध्याय। क्या होता है? अध्याय। अगर आपको ये कहे कि कांड का अर्थ क्या होता है, तो हम ये नहीं कह पाएंगे कि यहाँ लड़ाई होता है। कांड का अर्थ क्या होता है? अध्याय होता है। और संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य, संसार का सबसे बड़ा बड़ा महाकाव्य क्या है? महाभारत। महाभारत। और यह महाभारत किस भाषा में है? तो उत्तर होगा हमारा संस्कृत भाषा में। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में महाभारत को किसने लिखा? तो महर्षि वेदव्यास ने। कौन लिखा? महर्षि वेदव्यास ने। महर्षि वेदव्यास ने। और आपको यदि ये प्रश्न पूछे कि श्रीमद् भगवद गीता किस भाषा में है, तो श्रीमद् भगवद गीता भी संस्कृत भाषा में है। और श्रीमद् भगवद गीता को भी महर्षि वेदव्यास ने ही लिखा है। और वह किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में है। इसी महाभारत, जो यही ये आपका महाभारत है, इसका अध्याय का नाम, सॉरी, इस महाभारत के अध्याय का नाम महर्षि वेदव्यास ने क्या दिया? पर्व दिया। क्या नाम दिया? पर्व नाम दिया। तो इसी महाभारत के 18वें पर्व का, कौन से पर्व का? 18वें पर्व का व्याख्या, उल्लेख आपका श्रीमद् भगवद गीता है। क्या है? श्रीमद् भगवद गीता। यहाँ भगवत कभी नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे? भगवद। क्यों लिखेंगे? क्योंकि व्यंजन संधि के नियमों द्वारा यदि किसी भी वर्ग का पहला वर्ण क से लेकर म तक, जिसे हम स्पर्शी व्यंजन कहते हैं, आगे मैं पढ़ाऊंगी वर्ण विचार वर्णमाला, तो व्यंजन संधि के नियमों द्वारा यदि किसी भी वर्ण का, वर्ग का कोई भी वर्ण हो और वह
किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा अक्षर होगा या कोई स्वर होगा या अंतस्थ व्यंजन होगा, उससे यदि मेल करेगा तो ये जो आपका पहला अक्षर होगा वो अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। जैसे अगर भगवत गीता को हमें संधि विच्छेद करना होगा तो हम क्या लिखेंगे, भगवत धन गीता, तो ये क वर्ग का तीसरा अक्षर है और ये त वर्ग का पहला अक्षर है, तो ये आपका त वर्ग किससे मिला है, क वर्ग के तीसरे वर्ण से मिला है। ग आपका स्पर्शी व्यंजन का एक वर्ण है, तो त अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में परिवर्तित हो गया, बदल गया। यही तब इसीलिए कहा जाता है कि ये शुद्ध क्या होगा, श्रीमद् भगवद् गीता, यही शुद्ध होता है। और ये देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन करता है कि आदि ग्रंथ रामायण का अनूदित महाग्रंथ है, तो आपका उत्तर क्या होगा, रामचरित मानस। क्या होगा, रामचरित मानस। और इसको किसने लिखा, तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने, गोस्वामी तुलसीदास जी ने किसको लिखा, रामचरित मानस को लिखा। और यह किस भाषा में रामचरित मानस तुलसीदास ने लिखा, तो अवधी, किस भाषा में, अवधी भाषा में। इसमें भी सात कांड होते हैं, इसमें भी सात कांड होते हैं। यहाँ पर भी कांड का मतलब क्या होता है, अध्याय ही होता है, क्या होता है, अध्याय होता है। और कभी कभी आपसे ये पूछ लेगा कि रामचरित मानस के कांड का सही क्रम क्या है, तो आपको पहले बाल कांड दे सकता है, फिर सुंदर कांड दे देगा, फिर किष्किंधा कांड दे देगा, लंका कांड दे देगा। तो आइए देखते हैं कि कौन सा कांड किसके बाद आता है, इस सातों कांड का हम क्रम देखते हैं कि कौन सा कांड पहले आता है। तो मित्रों, ये हमारी ट्रिक है, बाक स्लू, क्या ट्रिक है, बाक स्लू। तो बी से हो जाएगा बाल कांड, बाल कांड। ए से हो जाएगा अयोध्या कांड, अयोध्या कांड। फिर ए से हो जाएगा अरण्य कांड, अरण्य का मतलब होता है जंगल, क्या होता है, जंगल, या जंगल का समानार्थी शब्द है जो समान अर्थ देता है, तो अरण्य का मतलब जंगल। के से हो जाता है किष्किंधा कांड, क्या हो जाता है, किष्किंधा कांड। फिर यश से क्या होता है, सुंदर कांड। एल से क्या होता है, लंका कांड। लंका कांड को युद्ध कांड के नाम से भी जाना जाता है, किस नाम से, युद्ध कांड के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद होता है उत्तर कांड, कौन सा कांड, उत्तर कांड। उत्तर कांड का अर्थ होता है, उत्तर का मतलब सबसे बाद, उत्तर का मतलब बाद। तो उत्तर कांड गोस्वामी तुलसीदास और महर्षि वाल्मीकि जी ने जो रामायण में, गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस में कांडों का विभाजन किया है, बाद वाले कांड का क्या नाम दिया, उत्तर कांड। यदि आपसे पूछे कि सबसे बड़ा सबसे बड़ा कांड कौन है, तो आप उत्तर क्या देंगे, बाल कांड, क्या देंगे, बाल कांड। और ये देखिए बी है, बी से ब होता है, तो ब से बाल है और ब से बड़ा कांड है, बी से बाल कांड और ब से
बड़ा बालकांड हो गया, 20 से बड़ा भी हो गया। आपको याद करना है चाहे जैसे याद करिए। सबसे छोटा कांड पूछता, इसमें 361 दोहे होते हैं। क्या होते हैं? 361 दोहे होते हैं। और किष्किंधा कांड को सबसे छोटा कांड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सबसे छोटा कांड। इसमें कितने दोहे हैं दोस्तों? तो है 30 दोहे। ठीक, ये क्लियर हुआ। अगर जो भी समझ में नहीं आता है मुझे कमेंट के माध्यम से भेजिएगा, तो जहां आपको प्रॉब्लम होगी मैं उसे सॉल्व करने का प्रयास करूंगी। ये हो गया। अब ये देखते हैं, रामायण जो है, रामायण में कितनी चौपाइयां हैं? तो 24,000। कितनी? 24,000। सॉरी, जीरो जो होता है वो अंडाकार होता है और ओ जो होता है वो बिल्कुल गोला होता है। तो 24,000 को संस्कृत में कहा जाता है चतुर्विंशति। क्या कहा जाता है? चतुर्विंशति सहस्र संहिता। चतुर्विंशति सहस्र संहिता, चतुर्थ मतलब चार, विंशति मतलब 20 यानी 24, सहस्र मतलब हजार, संहिता इसका नाम दिया गया। तो चतुर्विंशति सहस्र संहिता, 24,000 इसमें चौपाइयां हैं, श्लोक है, इसलिए क्या कहा जाता है इसे? चतुर्विंशति सहस्र संहिता। और महाभारत को क्या कहा जाता है? शत सहस्र संहिता। शत सहस्र संहिता, शत का मतलब 100, सहस्र मतलब हजार, संहिता नाम दिया गया। तो 100,000 उसमें श्लोक हैं महाभारत में, इसके आधार पर शत सहस्र संहिता कहा जाता है। किसको? महाभारत को। चतुर्विंशत सहस्र संहिता किसे कहा जाता है? तो रामायण को। ठीक, बात आती है कि हिंदी भाषा का विकास किस भाषा से हुआ? तो हिंदी भाषा का विकास जो है वो संस्कृत भाषा से हुआ है। किस भाषा से? संस्कृत भाषा से। तो संस्कृत भाषा से भी प्राचीन भाषा लौकिक संस्कृत है। कौन सी संस्कृत? लौकिक संस्कृत। फिर उसके बाद आता है, ये प्रगति का चिन्ह है दोस्तों, इसका मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में एक आरोही होता है आपका, एक अवरोही होता है। इसे हम यहाँ आपके प्रगति का चिन्ह लगाएं, तो इसका मतलब बढ़ते हुए क्रम में। तो किस भाषा के बाद किस भाषा का विकास हुआ है? लौकिक के बाद आती है वैदिक संस्कृत। कौन सी संस्कृत? वैदिक संस्कृत। इसके बाद आती है संस्कृत भाषा। कौन सी भाषा? संस्कृत भाषा। फिर इसके बाद आती है पाली भाषा, जो बौद्धों की भाषा है, जिसमें महात्मा बुद्ध उपदेश देते थे। फिर पाली के बाद आई प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा जैन धर्म की भाषा है। और प्राकृत के बाद अपभ्रंश आदिकाल, हिंदी साहित्य का जो एक काल है आदिकाल। दोस्तों हिंदी साहित्य जो है मुख्यतः चार भागों में उसे बांटा गया है। नंबर एक होता है आदिकाल, नंबर दो होता है भक्तिकाल, नंबर तीन होता है रीतिकाल, नंबर चार होता है आधुनिक काल। तो अपभ्रंश के बाद जो हिंदी साहित्य का आदिकाल है उसमें अपभ्रंश भाषा में रचना किया गया है। और आदिकाल को वीर रस आदिकाल का आदिकाल जो है, अगर आपसे प्रश्न करता है कि हिंदी साहित्य के आदिकाल में किस रस की प्रधानता है या किस रस का अधिकांशतः वर्णन किया गया है, तो वीर रस का है। तो श्रृंगार रस भी, लेकिन प्राथमिकता किसे दिया जाता है? वीर रस को। ठीक, अपभ्रंश के बाद कौन सी भाषा का विकास हुआ? तो अवहट्ट भाषा का विकास हुआ, जिसमें एक कवि हुए, कवि थे विद्यापति। कौन? विद्यापति, जो बिहार के दरभंगा जिले के विपसी नामक ग्राम के निवासी थे
और बिहार में दोस्तों मैथिली, मगही, भोजपुरी बोली जाती है। इसी मैथिली बोली में मैथिली भाषा भी है, बोली भी है। मैथिली भाषा में विद्यापति ने पदावली नामक रचना की और उसी पदावली रचना से इन्हें मैथिल कोकिल कहा जाता है। और कीर्तिलता, कीर्ति पताका नामक दो रचना किस भाषा में किया? अवहट्ट भाषा में किया। लेकिन ये अवहट्ट भाषा जो है यह हिंदी का बिगड़ा हुआ रूप मानी जाती है। अवहट्ट के बाद किस भाषा का विकास हुआ? प्रारंभिक या प्राचीन हिंदी, प्रारंभिक या प्राचीन हिंदी। तो आपसे ये कई बार अगर आपसे पूछेगा, या तो यूँ कह लीजिए कई बार प्रश्न ये पूछा गया है कि हिंदी भाषा का विकास किस भाषा से हुआ है, प्रश्न आपको पूछता है कि हिंदी भाषा का विकास, हिंदी भाषा का विकास किस भाषा से हुआ, किस भाषा से हुआ? ऑप्शन दे दिया, लौकिक संस्कृत, दो दे दिया वैदिक संस्कृत, तीन दे दिया संस्कृत, और चार दे दिया उपर्युक्त सभी, उपर्युक्त सभी। दोस्तों उपर्युक्त जो होता है ये शुद्ध रूप है, ऊपर लिखा गया उपर्युक्त कहलाता है और इसी का तद्भव रूप होता है उपरोक्त। यदि आपसे पूछा गया कि उपर्युक्त और उपरोक्त में कौन सा शब्द शुद्ध माना गया है तो उपर्युक्त माना गया। देखिए सबसे प्राचीन कौन सी भाषा है? लौकिक संस्कृत, उसके बाद वैदिक संस्कृत, उसके बाद संस्कृत। तो हिंदी भाषा का विकास सभी भाषाओं से माना जाता है। यदि आपको क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि हिंदी भाषा का विकास किस भाषा से हुआ तो यहाँ आपका होगा अपभ्रंश। क्या होगा? अपभ्रंश। और यहाँ दे दिया आपको पाली। क्या दे दिया? पाली। और इस उपर्युक्त सभी वाले ऑप्शन में दे दिया दो और तीन दोनों। इस चिन्ह का नाम दोस्तों योजक चिन्ह है। योजक चिन्ह का मतलब होता है और किसी भी शब्द को जब हम साथ लिखते हैं, अंक को साथ लिखते हैं, तो यह वैकल्पिक या और का चिन्ह देता है, इसलिए दो और तीन दोनों। अब देखते हैं हिंदी भाषा का विकास सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत भाषा है और अपभ्रंश भाषा हिंदी भाषा, अपभ्रंश भाषा से भी हिंदी भाषा का विकास हुआ है। तो ये जो अवहट्ट के बाद आप यहाँ देख रहे हैं कि अवहट्ट के बाद हमने लिखा कि प्रारंभिक हिंदी या प्राचीन हिंदी, तो ये देखिए ये अवहट्ट को हिंदी भाषा का बिगड़ा हुआ रूप माना गया है, इसलिए अपभ्रंश से हिंदी भाषा का विकास माना जाता है। तो हम अवहट्ट ना कहकर क्या कहेंगे? अपभ्रंश भाषा। ठीक, यह हमारा उत्तर क्या होगा? संस्कृत भी है, अपभ्रंश भी है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? दोनों हो जाएगा। अगर आपसे ऐसा प्रश्न पूछता है और पूछे जाने का पूरा चांस हो, दोस्तों देखिए किसी भी भाषा को सीखने के लिए सबसे पहले, किसी भी भाषा को सीखने के लिए सबसे पहले हमें ध्वनि वर्ण की आवश्यकता होती है। और ये जानते हैं ध्वनि कहते किसे हैं? ध्वनि कहते किसे हैं? ध्वनि किसे कहते हैं? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई इकाई को क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? ध्वनि कहते हैं। और इसी ध्वनि का नाम होता है वर्ण। क्या होता है?
वर्ण, इसी वर्ण को हम क्या कहते हैं, अक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं, अक्षर कहते हैं। और वर्ण या अक्षर किसे कहते हैं, मुख से निकली वह छोटी सी छोटी ध्वनि जिसका सार्थक खंड नहीं होता है या जो टुकड़ों में नहीं बढ़ सके उसे ही हम क्या कहते हैं, वर्ण या अक्षर कहते हैं। जैसे आपको प्रश्न पूछे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है, ये आपको प्रश्न दे दिया, ऑप्शन दे दिया यहाँ, ध्वनि दो दे दिया, वर्ण तीन दे दिया, अक्षर और ऑप्शन चार दे दिया, सभी। तो हमारा उत्तर क्या होगा, सभी। अगर यहाँ सभी नहीं देगा, चौथे ऑप्शन में यदि सही नहीं देगा, सभी नहीं देगा, तो अब यहाँ पहला ऑप्शन दे दिया ध्वनि, दूसरा दे दिया वर्ण, तीसरा दे दिया अक्षर, यहाँ पद दे दिया। पद का अर्थ क्या होता है, शब्द होता है। तो अब हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। क्यों बदलेगा, क्योंकि अब यहाँ सभी नहीं दिया है, कुछ ना कुछ श्रुत यानी सूक्ष्म भिन्न ये इसमें अंतर है, इसलिए ध्वनि वर्ण अक्षर और भाषा की सबसे छोटी इकाई को ध्वनि कहते हैं। यदि इस तरह का प्रश्न आपसे पूछता है, चौथे विकल्प में आपको सभी देता है तो आपका उत्तर सभी होगा, यदि चौथे विकल्प में कोई और देता है तब आपका उत्तर क्या होता है, ध्वनि होता है। और इसी को प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि मानव सबसे पहले, या ये देख लीजिए कि बच्चा जब जन्म लेता है तो सबसे पहले वह रोता है और उसके रोने का संकेत ही बताता है कि बच्चा स्वस्थ है। क्या है, बच्चा स्वस्थ है, और रोना ही क्या कहलाया, ध्वनि कहलाया। तो सबसे पहले मानव क्या किए, बोले, और इसी बोलने को हम क्या कहते हैं, ध्वनि कहते हैं। भाषा की बात आती है कि भाषा किसे कहते हैं, तो भाषा किसे कहते हैं, अगर आप सभी लोग मेरी वीडियो देख रहे होंगे तो कमेंट के माध्यम से भेजिएगा कि भाषा किसे कहते हैं। अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाना ही क्या है, भाषा है। आपको जो आता है, टूटे फूटे शब्द, आप जैसे भी अपने विचारों को जिस भाषा में पहुंचाते हैं उसे ही क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। यूं कह लीजिए, भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान करते हैं, लेते देते हैं, उसे ही हम भाषा कहते हैं। अब देखते हैं दोस्तों, भाषा के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो भाषा मुख्यतः कितने प्रकार की होती है, तीन प्रकार की होती है। अगर आपसे मुख्यतः पूछे तो तीन प्रकार, अगर सामान्य रूप से पूछे तो निम्नलिखित प्रकार की, क्योंकि दोस्तों भाषा जो होती है वो अनेकों प्रकार की होती है। मातृभाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, सांकेतिक भाषा, लिखित भाषा, मौखिक भाषा, ऐसे ऐसे करके तमाम भाषाएँ हैं। तो मुख्यतः यदि आपसे पूछे तो भाषा कितने प्रकार की होती है, तीन प्रकार की होती है। आइए देखते हैं कौन कौन सी है। नंबर एक होती है सांकेतिक भाषा। कौन सी भाषा, सांकेतिक भाषा। नंबर दो होती है मौखिक भाषा। कौन सी भाषा, मौखिक भाषा। और नंबर तीन होता है लिखित भाषा। कौन सी भाषा दोस्तों, लिखित भाषा। सांकेतिक भाषा किसे कहते हैं, सांकेतिक भाषा हम उसे कहते हैं। अगर आपसे पूछे कि सांकेतिक शब्द का मूल शब्द क्या है तो आप क्या कहेंगे, संकेत। क्या कहेंगे, संकेत कहेंगे। किसी भी मूल शब्द में, किसी भी शब्द में यदि आप इक प्रत्यय जोड़ते हैं, कौन सा प्रत्यय दोस्तों, इक प्रत्यय। और ये जान लीजिए कि प्रत्यय जो होते हैं शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं और उपसर्ग जो होते हैं शब्द के पहले जोड़े जाते हैं, शुरू में जोड़े जाते हैं, आदि में जोड़े जाते हैं। तो जब किसी भी मूल शब्द में एक प्रत्यय जोड़ दिया जाता है तो उसका पहला वर्ण जो होता है उसमें अ की मात्रा जुड़ जाती है। अब हम ई है तो स्वर को तो हम शब्दों में लिखते नहीं हैं, तो छोटी ई की यहाँ मात्रा लगाते हैं और ये क्या हो जाएगा, सांकेतिक। क्या हो जाएगा दोस्तों, सांकेतिक हो जाएगा। तो सांकेतिक शब्द का मूल शब्द क्या है, संकेत है। क्या है, संकेत है।
और संकेत का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इशारा। क्या होता है? इशारा। इशारों में बात करना ही सांकेतिक भाषा कहलाती है। और जब आप लोग गाड़ी चलाते होंगे, कहीं आपको मुड़ना होता है तो आप इंडिकेटर क्यों जलाते हैं? आप संकेत करते हैं, आप इशारा करते हैं कि मुझे इधर ही मुड़ना है, आप भी मत मुड़ जाइएगा, या दूसरे व्यक्ति से संकेत करते हैं कि आप भी मत मुड़ जाना, नहीं तो क्या होगी? दुर्घटना घट जाएगी। इसी अगर आपसे पूछ दिया कि इंडिकेटर का जलाना किस भाषा के अंतर्गत आता है या किस अभिव्यक्ति के अंतर्गत आता है, तो वो भाषा की सांकेतिक भाषा की अभिव्यक्ति के अंतर्गत आता है। नंबर दो बात आती है दोस्तों मौखिक भाषा की। तो मौखिक भाषा, मौखिक का मतलब क्या होता है? अंग्रेजी में आप लोग ओरल कहते हैं उसे। मौखिक का मतलब होता है कि जो हमें याद होता है, जो हम बिना देखे बोलते हैं, या यूं कह लीजिए देखकर ही बोलते हैं, जो हमें याद होता है, मुजबानी हम कहते हैं, उसे ही मौखिक भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? मौखिक भाषा कहते हैं। तो मौखिक भाषा अगर आपसे ये पूछ दे कि भाषण देना किस भाषा के अंतर्गत आता है, तो भाषण देना किस भाषा के अंतर्गत आएगा दोस्तों? मौखिक भाषा के अंतर्गत आता है। नंबर तीन आता है लिखित भाषा। तो लिखित भाषा ही एक ऐसी भाषा है जिसके माध्यम से हम कक्षा दर कक्षा आगे बढ़ते हैं या किसी चीज़ का हम प्रमाण देते हैं। जैसे आप ही की ज़मीन है, अगर आपके पास कागजात मजबूत नहीं है या साइन मुहर नहीं लगी, आपके पास कागज़ नहीं है, तो पड़ोसी क्या करेगा? कब्जा कर लेगा, या कोई अदर व्यक्ति भी कब्जा कर लेता है। तो आपके पास प्रूफ नहीं होता है, तो आप कोई प्रूफ अगर नहीं होता है तो आप ये नहीं कह पाते हैं कि यह ज़मीन किसकी है, मेरी ही है। जब आपके पास लिखित भाषा, लिखित रूप में या लेख लिखा हुआ या सरकारी कागज़ आपके पास है, जिस भाषा में वो कागज़ लिखा होता है, किसी भी लिखने को ही हम क्या कहते हैं? लिखित भाषा कहते हैं। यदि आपके पास कागज़ नहीं होगा तो आप क्या हो जाएंगे? झूठे हो जाएंगे। जबकि ज़मीन किसकी रहती है? आप ही की रहती है। जैसे मान लीजिए हम एग्ज़ाम देने जाते हैं, अब बैठे बैठे एग्जामिनेशन हॉल में हम बैठे बैठे चले आएँ, लिखे पढ़े ना कुछ, तो हम पास होंगे? नहीं पास होंगे। तो ये लिखित भाषा ही एक ऐसी भाषा है जिसके माध्यम से हम किसी चीज़ का प्रमाण देते हैं, सिद्ध करते हैं और कक्षा दर कक्षा आगे बढ़ते हैं। ठीक दोस्तों, आपसे कहेगा यदि पूछे कि सुलेख का लिखना, सुलेख का लिखना, कहीं भी लिखने की बात आती है, नकल का लिखना, सुलेख का लिखना, श्रुतलेख का लिखना, कहीं भी लिखने की बात आती है, तो वो भाषा की किस अभिव्यक्ति के अंतर्गत आता है? तो लिखित अभिव्यक्ति भाषा के अंतर्गत आता है। किस भाषा के अंतर्गत? लिखित भाषा के अंतर्गत आता है। ये भाषा हो गई। बात है कि हिंदी भाषा हमारी राजभाषा है कि राष्ट्रभाषा है? तो हिंदी भाषा हमारी राजभाषा है। क्या है? राजभाषा है। यह राज्य भाषा मत लिखिएगा दोस्तों, राज्य से ही क्या बनाया गया? राज, राज मतलब होता है राजा, राज मतलब राजा। जब आप समास पढ़ते होंगे तो उसमें एक शब्द आपको मिला होगा कि राजपुत्र, तो राजा का पुत्र। और ये भाषा की क्या है? राजा है। अपने स्टेट राज्य में ही बोली जाने वाली भाषा को हम क्या कहते हैं? राजभाषा कहते हैं। या ऐसे कह लीजिए जिस भाषा में राज्य के सरकारी कामकाज होते हैं, उसी भाषा को किस भाषा का दर्जा दिया जाता है? राजभाषा का दर्जा दिया जाता है। आपसे पूछेगा कि राजभाषा को, सॉरी, हिंदी भाषा को राजभाषा कब घोषित किया गया? तो 14 सितंबर 1949 को भारत में हिंदी भाषा को संघ की राजभाषा कब घोषित किया गया? तो 14 सितंबर 1949 को। कब? 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को भारतीय संविधान के अंतर्गत रखा गया, उसे राजभाषा का दर्जा प्राप्त किया गया। यही कारण है कि 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं। 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं। यदि आपसे पूछ लिया कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो हमारा उत्तर क्या होगा?
10 जनवरी। एक प्रश्न यहाँ से बनता है कि भारत के अलावा वह कौन सा ऐसा देश है जहाँ हिंदी भाषा बोली जाती है, तो उस देश का क्या नाम है? मॉरिशस। क्या नाम है? मॉरिशस। देखिए दोस्तों, ये जो म पर ओ की मात्रा लगी है, किसकी मात्रा? बस केवल चंद्र लगा है, इसका नाम होता है आगत स्वर। क्या नाम होता है? आगत स्वर। क्या नाम होता है? आगत स्वर होता है। और ये जो होता है अंग्रेजी के ओ से लिखते हैं, इसे किससे लिखते हैं? ओ से लिखते हैं। अंग्रेजी भाषा की लिपि क्या हो जाती है? रोमन। तो जब हमें रोमन लिपि में लिखना होता है, जैसे हमने लिखा कॉलेज, क्या लिखा? कॉलेज। लिखे ऑफिस, क्या लिखे? ऑफिस। फॉग, ऐसे लिखते हैं। अब ये पूछा गया प्रश्न है कि निम्नलिखित में से आगत स्वर कौन सा है, तो आगत स्वर दोस्तों यही होता है जिसे हम अंग्रेजी के ओ से लिखते हैं। तो विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है। भारत के अलावा वह कौन सा ऐसा देश है जहां हिंदी बोली पढ़ी लिखी जाती है, तो वह देश का, उस देश का क्या नाम है? मॉरिशस। क्या नाम है? मॉरिशस। और म पर जो ओ की मात्रा लगी है उसे दोस्तों उच्चारण कैसे करते हैं? ओ, जैसे फॉग कहते हैं ना, तो ये क्या होता है? ओ होता है। तो इसका नाम होता है आगत स्वर या विदेशी स्वर, आप नाम देते हैं। तो ये देखते हैं कि हिंदी भाषा की लिपि क्या होती है। हिंदी भाषा की लिपि, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी लिपि है? देवनागरी। कौन सी लिपि है? देवनागरी। 2017 समीक्षा अधिकारी में यह प्रश्न पूछा गया था वाक्य शुद्धिकरण करने के लिए। यह पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो चारों ऑप्शन में क्या शुद्ध दिया था? एक आपका वाक्य था अहल्या, अहल्या से कोई था, मुझे पूरा याद नहीं आ रहा है, समीक्षा अधिकारी का एग्ज़ाम मैं भी दी थी, तो उसमें अहल्या जो होता है वो सही, अहल्या ये शुद्ध शब्द है, कभी अहिल्या ना लिखिएगा। तो उसमें जो हिंदी भाषा की लिपि दिया था, सही तो पूरा वाक्य दिया था, लेकिन जो ये इसको क्या कर दिया था? लिपि कर दिया था। तो यह देखिएगा कि यह शुद्ध क्या होता है। लिपि, हिंदी भाषा की लिपि क्या होती है? देवनागरी होती है। हिंदी भाषा के साथ साथ आपकी मराठी भाषा, गुजराती भाषा और ये तीनों भाषाओं की लिपि क्या होती है? देवनागरी होती है। लिपि का मतलब होता है कि लिपि अक्षरात्मक होती है। क्या होती है? अक्षरात्मक। भाषा को तो आप बोलकर भी समझा सकते हैं, विचारों तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन लिपि को बिना लिखे आप बता नहीं सकते हैं, तो इसीलिए कहते हैं कि लिपि क्या है? अक्षरात्मक है। तो हिंदी भाषा, मराठी भाषा, गुजराती भाषा तीनों की लिपि क्या है? देवनागरी लिपि है। ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि देवनागरी लिपि किस तरफ से किस तरफ लिखी जाती है। तो दोस्तों देखिए, अगर उस समय आपको याद नहीं आ रहा है कि किस तरफ से किस तरफ लिखी जाती है, तो वहाँ दुविधा की कोई बात नहीं है। आप बाएं हाथ इधर दाहिने से बाएं करते हैं, तो ये बायां हाथ है आपका, तो क्या लिखेंगे? बाएं से दाएं की ओर, बाएं से दाएं की ओर, दाएं की ओर या तरफ, ये आपका होता। हम ये इधर से लिखते हैं, इधर पूरा करते हैं। इन तीनों भाषाओं की लिपि क्या होती है? देवनागरी लिपि। यदि आपसे पूछता है कि देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है, तो ब्राह्मी लिपि से। किस लिपि से? ब्राह्मी लिपि से। ब्राह्मी लिपि आप ऐसे लिखेंगे, ब्राह्मी, ये आपका शुद्ध होता। दोस्तों ये मत कहिएगा कि ह आधा बना दिए, म पूरा बना दिए, या म आधा बना दिए या ह पूरा बना दिए। जब भी ह के बाद आपका म आता है, यह आता है, वह आता है, तो ह में क्या होता है? वह मिला हुआ होता है। जैसे आप लिखेंगे ब्रह्म, क्या लिखेंगे? ब्रह्म। अ की मात्रा देंगे तो ब्रह्मा। तो देवनागरी लिपि के विकास, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? तो
ब्राह्मी लिपि से हुआ है और देवनागरी लिपि बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है। पंजाबी की लिपि क्या होती है? गुरुमुखी। क्या होती है? गुरुमुखी। ध्यान दीजिएगा कि जब र पर हम छोटे ऊ की मात्रा लगाते हैं तो इस छोटे ऊ की मात्रा में ये गोला नहीं रहता है। जब बिना गोले के ये होता है तो छोटे ऊ की मात्रा जो ह्रस्व स्वर में आता है, और जब इसमें गोला बना दिया जाता है तो वह बड़ा ऊ की मात्रा हो जाती है। तो गुरुमुखी कहेंगे झटके से, यानी एक मात्रा का समय लेंगे, तो ये हो गया गुरुमुखी। अंग्रेजी भाषा की लिपि क्या होती है? अंग्रेजी भाषा की लिपि होती है रोमन। कौन सी लिपि होती है? रोमन। उर्दू की लिपि क्या होती है? उर्दू की लिपि होती है फारसी। क्या होती है? फारसी। ठीक, तो ये हो गई हमारी लिपि। अब बात आती है कि हिंदी भाषा हमारी राजभाषा है और इसे दर्जा भारतीय संविधान में कब मिला राजभाषा को? तो 14 सितंबर 1949 को संघ की राजभाषा का दर्जा मिला, संघ की राजभाषा बनाई गई। और राजभाषा का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद कितने से कितने तक है? 343 से 351 तक। 343 से 351 तक आपको देगा 343 से 350 तक, 351 तक, 352 तक, 354 तक। तो सही क्या होता है? 343 से 351 तक। जब मूल संविधान, भारतीय संविधान, जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था, तो मूल संविधान, यदि आपसे ऐसे प्रश्न किया कि मूल संविधान में भाषाओं की संख्या यानी मानक भाषाओं की संख्या कितनी थी, ये जान लीजिए दोस्तों कि भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में, किस अनुसूची में? 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है, भाषाओं को रखा गया है, या भाषाओं का उल्लेख भाषाओं को रखा गया है। तब भी 8वीं अनुसूची में थी, अब भी 8वीं अनुसूची में किसको रखा गया है? भाषा को ही रखा गया है। लेकिन वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं और मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, 4 जोड़ दी गई, तो वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हो गई? 12 अनुसूची हो गई। ठीक, मूल संविधान जब तैयार हुआ था, मूल संविधान जब था, तो 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या कितनी थी? 14। बाद में एक जोड़ दिया गया, 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा किसको जोड़ा गया? सिंधी को। किसको जोड़ा गया? सिंधी को। तब ये कितनी हो गई? 15। फिर उसके बाद 15 में 3 भाषाएं और जोड़ी गई, तो 1992 71वां संविधान संशोधन में किस किस को जोड़ा गया? नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। किसको जोड़ा गया? ये 3 होती है, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। 15 में 3 जोड़ेंगे दोस्तों तो 18 हो जाएगा। 18 में फिर 4 भाषाएं कब जोड़ी गई? वो जोड़ी गई आपका, कौन कौन सी भाषा है? तो बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। बी से बोडो हो गई, डी से डोगरी हो गई, एम से मैथिली हो गई और एस से संथाली हो गई। कब जोड़ी गई? तो 92वां संविधान संशोधन, 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत, 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत 4 भाषाएं जोड़ दी गई, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। वर्तमान में कितनी भाषाएं हो गई दोस्तों? तो 22। पूछा जाएगा कि वर्तमान में
भाषाओं की संख्या कितनी है, तो 22 किस अनुसूची में है, तो 8वीं अनुसूची में, और पहले मूल संविधान में कितनी भाषा थी, तो 14, बाद में आपकी एक भाषा जोड़ दी गई सिंधी, फिर 3 भाषा को जोड़ दिया गया नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, फिर 4 भाषा को जोड़ दिया गया बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। बी से बोडो, डी से डोगरी, एम से मैथिली, एस से संथाली। इसे दोस्तों हम याद करने के लिए क्या पढ़ेंगे, BDMS। क्या पढ़ेंगे, BDMS। ये आपकी भाषा हो गई। ये देखते हैं हिंदी भाषा की 5 उपभाषाएं होती हैं। क्या होती हैं, 5 उपभाषाएं होती हैं। कितनी, 5 उपभाषाएं। उपभाषाएं, अब उपभाषा कहते किसे हैं, जिसमें साहित्यिक रचना नहीं की जाती है उसे ही उपभाषा कहते हैं। जिस प्रकार से किसी का नाम जो लिखने के लिए होता है वो अलग होता है, घर पे बुलाने वाला अलग होता है। मान लीजिए किसी लड़के का नाम सोनू है और घर का नाम कल्लू है, तो कल्लू हम कहीं लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, तो कल्लू उनका क्या हो गया, उपनाम हो गया। तो हिंदी भाषा की जो उपभाषाएं हैं उनकी संख्या कितनी है, 5 है। कौन कौन से देखते हैं, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पांचवा होती है बिहारी हिंदी। कौन सी हिंदी, बिहारी हिंदी। ये आपकी उपभाषाएं हैं दोस्तों। हिंदी भाषा में 5 उपभाषाएं होती हैं, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और बिहारी हिंदी। ये 5 आपकी उपभाषाएं हैं। इन्हीं 5 उपभाषाओं के अंतर्गत 18 बोलियां आती हैं। क्या आती हैं, बोलियां। बोलियां किसे कहते हैं, भारत एक ऐसा देश है जहाँ हर 10 किलोमीटर पर बोली क्या होती है, बदल जाती है। तो इन्हीं 5 उपभाषाओं के अंतर्गत कितनी बोलियाँ आती हैं, 18 बोलियाँ आती हैं। यदि आपको ऑप्शन में प्रश्न में पूछ दिया कि कितनी बोलियाँ हैं हिंदी भाषा के अंतर्गत या भारत में कितनी बोलियाँ हैं, तो 18 बोलियाँ हैं। ऑप्शन में 18 ना देकर 17 देता है दोस्तों, तो क्या सही होगा, 17 ही सही होगा, क्योंकि मैथिली बोली जो है वो भाषा भी कहलाती है, भाषा भी कहलाती है। तो आइए देखते हैं कि किस उपभाषा के अंतर्गत कौन सी बोलियां आती हैं। ठीक, किस उपभाषा के अंतर्गत कौन सी बोलियां आती हैं, ये देखते हैं। नंबर 1 होती है पूर्वी हिंदी। क्या है, पूर्वी हिंदी। देखिए इसके अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। क्या क्या दोस्तों, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। नंबर 2 पश्चिमी हिंदी। इसकी एक ट्रिक होती है, अब पूछ, अ से हो गया अवधी, ब से हो गया बघेली, ये पू से याद करने के लिए है कि किस उपभाषा के अंतर्गत ये बोलियां आती हैं। तो 6 से क्या हो गया, छत्तीसगढ़ी। तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां हो गई दोस्तों, 3 बोलियां हो गई। पश्चिमी में क्या क्या आती है, हरियाणवी। क्या आती है, हरियाणवी, जिसे बांगरू के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए दोस्तों इस र में कौन सा ऊ है, बड़ा ऊ है, हरियाणवी हो गई। दूसरी होती है खड़ी बोली। कौन होती है, खड़ी बोली। खड़ी बोली का प्राचीन नाम क्या होता है, कौरवी। क्या होता है, कौरवी। नंबर 3 होती है बुंदेली। क्या होती है,
बुंदेली और नंबर चार होती है कन्नौजी। क्या होती है? कन्नौजी। और नंबर पाँच होती है ब्रजभाषा। क्या होती है? ब्रजभाषा। इसकी ट्रिक है दोस्तों, खड़ी है ब्रज कन्नौज बुंदेल में, खड़ी है ब्रज कन्नौज बुंदेल में, खड़ी से खड़ी बोली, ह से हरियाणवी, ब्रज से ब्रजभाषा, कन्नौज से कन्नौजी, बुंदेल से बुंदेली, में साइलेंट है इसे आप जान लेंगे। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं? तो पांच बोलियां आती हैं, ये उसकी ट्रिक है। नंबर तीन देखते हैं। नंबर तीन देखते हैं, पहाड़ी हिंदी। कौन सी दोस्तों? पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी का ट्रिक जो होता है वो है पकुनेग। क्या होता है? पकुनेग। प से पहाड़ी हिंदी, और ध्यान दीजिएगा, प से पश्चिमी भी है, प से पहाड़ी भी है, लेकिन पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत तीन ही बोलियां आती हैं, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत पांच बोलियां आती हैं। तो पश्चिमी हिंदी में खड़ी बोली है, बुंदेली है, कन्नौजी है, और ब्रजभाषा है, वो बुंदेली, कन्नौजी, खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रजभाषा। इससे प से हो गया पहाड़ी हिंदी, कु से हो गया दोस्तों कुमायूनी। क्या हो गया? कुमायूनी। और ने से हो गया नेपाली, ग से हो गया गढ़वाली। क्या हो गया? गढ़वाली। ठीक, आइए नंबर चार देखते हैं कौन सी है। नंबर चार हो जाती है बिहारी हिंदी। कौन सी हिंदी? बिहारी हिंदी। तो बिहारी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी आती है? इसकी ट्रिक है विभा मैम। क्या है दोस्तों? विभा मैम। मेरा नाम है रीना यादव, तो रीना मैम को छोड़कर कौन मैम? विभा मैम। तो बी से हो गया बिहारी, भ से हो गया भोजपुरी, इसे आप भो भी बना सकते हैं, हो गया भोजपुरी। मैं से हो गया मैथिली, मैं से हो गया मैथिली, और म से हो गया दोस्तों मगही। क्या हो गया? मगही। बिहारी हिंदी के अंतर्गत तीन बोलियां आती हैं, म से मगही, मैं से मैथिली, या शुद्ध वर्तनी के लिए भी पूछता है मित्रों तो मैथिली नहीं होता, क्या होता है? मैथिली। हिंदी साहित्य में आपके कवि होते हैं मैथिली शरण गुप्त, तो उनका नाम क्या होता है? मैथिली। वो मैथिली करके भी देता है, लेकिन शुद्ध क्या होता है? मैथिली होता है। और भ से क्या होता है? भोजपुरी। तो आइए अंतिम वाला देखते हैं, अंतिम भाषा क्या है, लास्ट वाली क्या है। तो पांचवा नंबर होता है आपका राजस्थानी हिंदी। कौन सी उपभाषा? राजस्थानी। राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं दोस्तों, ये देखते हैं। इसकी ट्रिक मैं बनाई हूँ, मेरा मामा जयपुरी। मेरा मामा जयपुरी। मे से क्या हो जाता है? मेवाती। क्या हो जाता है? मेवाती। र से याद करने का ट्रिक है कि र से राजस्थानी के अंतर्गत किसी भी म से आप मालवी कर लेंगे, इस म से आप मारवाड़ी कर लीजिए, और जयपुरी बोली, पूरी बोली। एक जयपुरी, मारवाड़ी, मालवी, मेवाती चार, छत्तीसगढ़ी पांच, बघेली छह, अवधी सात, और पश्चिमी हिंदी में पांच बोलियां आती हैं, तो सात पांच बारह, फिर इसके बाद पश्चिमी पहाड़ी हिंदी में तीन बोलियां आती तो बारह तीन पंद्रह, पंद्रह के बाद बिहारी हिंदी में तीन आती हैं तो पंद्रह तीन अट्ठारह। तो दोस्तों ये कितनी बोलियां हो गई आपकी? 18 बोलियां हो गई। यदि मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर कोई गलती हो, त्रुटि हो, तो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर भेजिएगा। नमस्कार।